चैप्टर टू आपका आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैथ्स में। इसमें डेफिनेशन अगर हम देखें, y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर कोई फंक्शन है, जैसे कि हम y इज इक्वल टू साइन एक्स ले सकते हैं, तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। तो यहाँ पे x जो है वो y का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे एक चेंज भी आएगा, जैसे कि हम डोमेन और रेंज के टर्म्स में अगर देखें, जब हम फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता था और साइन एक्स होता था, तो वहां पर डोमेन जो है आपका वो माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू रहता था और रेंज जो है वो माइनस वन टू वन रहती थी। और यहाँ पे जब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा तो ये डोमेन एंड रेंज विल बी म्यूचुअली इंटरचेंज, यानी अब जो डोमेन आपका होगा वो माइनस वन टू वन हो जाएगा और जो रेंज होगी दैट विल बी माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू हो जाएगी। अब यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें जो फर्स्ट टाइप की प्रॉपर्टीज हैं वो जैसे कि साइन इनवर्स साइन एक्स विल बी इक्वल टू एक्स, और इसी तरह से अगर हम कॉस को देखें, कॉस इनवर्स कॉस एक्स विल बी आल्सो इक्वल टू एक्स, टैन इनवर्स टैन एक्स इज इक्वल टू एक्स, और इसी तरह से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए रिजल्ट्स ट्रू होंगे। फिर सेकंड पे आते हैं, सेकंड में जो फार्मूले हैं, साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, और इसी तरह से कॉस इनवर्स वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। यहाँ पे दो रिजल्ट्स भी होते हैं, कॉट इनवर्स एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, और अगर एक्स नेगेटिव होगा तो इसको हम माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स से भी रिप्लेस कर सकते हैं व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। फिर जो थर्ड टाइप की प्रॉपर्टी होगी साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, और इसी तरह से टैन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टैन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, और कॉस सेक और कॉट यानी कि जो इसके रेसिप्रोकल होते हैं, वहां पर जो प्रॉपर्टी होगी वो पाई से रिप्लेस करके लिखेंगे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसी तरह से सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। फिर फोर्थ टाइप की जो प्रॉपर्टी है वो आपकी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू हो जाएगा, जो फोर मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं उसमें इसी के ज्यादा यूज रहते हैं। टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, सिमिलरली कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू पाई बाई टू। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई अलग अलग, इनको याद रखना है। इसके बाद में कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं अभी इसमें, नंबर फाइव, टैन इनवर्स एक्स
प्लस टेन इनवर्स वाई, इसका यूज बहुत होता है क्वेश्चंस में, टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई इज लेस देन वन होना चाहिए। फिर इसी तरह से माइनस करते हैं तो उसको कंबाइंड फॉर्म भी लिखा जा सकता है, यहाँ माइनस करके, यहाँ माइनस करके यहाँ प्लस कर सकते हैं। यहाँ पे हम अलग लिखे दे रहे हैं, पहले टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई फॉर एवरी एक्स वाई विच इज ग्रेटर देन माइनस वन। फिर सिक्स में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसमें हम टेन को साइन कॉस या टेन के टर्म्स में लिख सकते हैं, टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से टू टेन इनवर्स एक्स को कॉस के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। और इसी तरह से टेन इनवर्स एक्स को टेन के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई। अभी इसमें और भी एक प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। कंपटीशन में इनका यूज भी आता है। और इसी तरह से अगर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई हो जाएगा तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। और सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एडिशनल फॉर्मूले हो गए इसके लिए। अब इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि अगर हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस पे आए, सिंप्लीफिकेशन में अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे जनरली वन प्लस एक्स स्क्वायर का अगर टर्म होता है तो हम एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा पुट कर देंगे, और इसी तरह से अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म होगा तो एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा पुट कर देंगे। फिर उसी तरह से अगर वन माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म होता है तो हम एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा में से कुछ भी कर सकते हैं, इट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। और इसी तरह से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी टर्म होगा अगर तो हम एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा में से कुछ भी सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे और फिर उसके बाद उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो ये कुछ खास पॉइंट्स हो गए सिंप्लीफिकेशन के लिए। अब इसमें जो क्वेश्चंस की टाइप्स हैं वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एक तो क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाता है, इसमें हमें कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। दूसरा क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आता है जहां हमें कोई रिजल्ट प्रूफ करना होगा। और तीसरा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के बेस पे आ सकता है जहां पे हमें कुछ सिंप्लीफाई करना होगा या प्रूफ करना होगा। और लास्ट में हमें एक ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जहां पे एक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा। तो इसमें अलग अलग हम टाइप पे देखते हैं। सबसे पहले टाइप फर्स्ट पे आते हैं। टाइप फर्स्ट में हम एक सिंप्लीफिकेशन लेते हैं कोई भी, जिसको हमें केवल सिंप्लीफाई करना हो रिजल्ट्स को। अब जो फर्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन है वो सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड है। इसमें जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कभी कभी सिंप्लीफाई, और इसमें कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया गया टैन इनवर्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर लिया था कि दैट इफ देयर इज टर्म ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर तो एक्स कैन बी ट्रीटेड एज टैन थीटा। तो यहाँ पे भी हम एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा ले लेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा, और इसको सब्सटीट्यूट कर लेंगे यहाँ पे इस रिजल्ट में। टैन इनवर्स
रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन एक्स, और ये अब ये टेन वर्स वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका सेक स्क्वायर थीटा होगा, इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे सेक थीटा, और यहाँ पे भी एक्स की जगह हमें टेन थीटा ही रखना है। अब इसको थोड़ा सा हमें और सिंप्लीफाई कर लेना है, तो दैट विल कम आउट टेन इनवर्स, इसको जब हम वन अपॉन कॉस करेंगे वो वन माइनस कॉस थीटा आ जाएगा अपॉन कॉस थीटा, और टेन इज ऑल्सो साइन अपॉन कॉस थीटा, ये वाला कॉस थीटा कैंसल आउट हो जाएगा। और अब इसको हम सॉल्व करेंगे, टेन इनवर्स जो रिजल्ट आया था उसको फिर से लिख लेते हैं, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री में हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, यहाँ दो तरह से सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, इसको हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और साइन कॉस के जो हमारे पास फार्मूले हैं उससे हम ब्रेक भी कर सकते हैं। तो हम उसी फार्मूले को लगा देते हैं यहाँ पे, वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, क्लास अलेवेंथ में फार्मूले थे, और साइन थीटा को हम लिख सकते हैं टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, कि आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, टू भी कैंसिल आउट हो जाएगा, जो रिजल्ट आपका आएगा दैट विल बी टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू, और फाइनली ये थीटा बाई टू हो जाएगा। अब इसके बाद में जो हमने सब्सटीट्यूशन किया था, वैल्यू हमेशा उसी के टर्म्स में रखनी होगी जो वेरिएबल क्वेश्चन में गिवन था, एक्स के टर्म्स में गिवन था, हमने स्टार्टिंग में ले रखा था एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, सो थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो जो आपका आंसर होगा दैट विल बी वन अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और यही सिंप्लीफिकेशन हो गया आपका। उसके बाद सेकेंड टाइप पे देखें, जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आपका होगा वो रिलेटेड टू इक्वेशन हो सकता है, कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ सकती है, वहां पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सॉल्व फॉर एक्स द इक्वेशन, इक्वेशन इसमें गिवन है टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन थ्री इज इक्वल टू पाई बाई फोर, इसको सॉल्व करना है, और यहाँ पे कंडीशन भी क्वेश्चन में कभी कभी गिवन रहती है कंडीशंस, दैट रूट सिक्स इज ग्रेटर देन एक्स, दिस इज ग्रेटर देन जीरो, इसका यूज हमें अभी नहीं सिर्फ लास्ट में ही करना होगा जब हम अपना आंसर लिखेंगे। यहाँ पे हमें इसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, टेन इनवर्स एक्स वाई का फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू पाई बाई फोर। अब यहां पे इस टेन इनवर्स को हम इस साइड में ले लेंगे और साथ ही यहां पे एलसीएम भी ले लेंगे, तो दैट रिजल्ट विल कम आउट थ्री एक्स प्लस टू एक्स अपॉन सिक्स, और यहां पे आ जाएगा सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन सिक्स इज इक्वल टू टेन पाई बाई फोर। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी से टेन पाई बाई फोर हो गया, इसकी वैल्यू वन होती है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर जो रिजल्ट आपका आएगा फाइव एक्स अपॉन सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव एक्स, और एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, और अब इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, सिक्स सिक्स का फैक्टर जो होगा फाइव और वन, क्योंकि यहां पर डिफरेंस आ रहा है तो फाइव और वन के फॉर्म में होगा, फाइव और वन के फॉर्म में इसको फैक्टराइज कर देंगे, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस सिक्स एक्स माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो।
यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा, एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस सिक्स माइनस वन, एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस सिक्स, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स एंड एक्स इज इक्वल टू वन। अब यहाँ पे हम देखें कंडीशन में था दैट एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स की ये निगेटिव वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते हैं, यानी कि एक्स इज इक्वल टू वन इज योर फाइनल आंसर। टाइप में जो क्वेश्चन है, इफ कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉस इनवर्स वाई अपॉन बी इज इक्वल टू अल्फा, प्रूव दैट। इसमें हमें प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई अपॉन ए बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे हमें जो गिवन कंडीशन है उसी से फार्मूला लगाना होगा, कॉस इनवर्स ए कॉस इनवर्स बी का, कॉस इनवर्स ए बी यानी कि एक्स वाई अपॉन ए बी हो जाएगा माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर होता है, तो वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। इस कॉस इनवर्स को इस साइड में ले लेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक कॉस अल्फा हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस अल्फा। अब कॉस अल्फा को इस साइड में ले लेंगे और इस पूरे टर्म को इस साइड में कर देंगे, आर एच एस में कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस अल्फा होल स्क्वायर और इसको साइड में ले लेंगे और साथ में होल स्क्वायर भी कर लेंगे, तो ये रूट हट जाएगा हमारा वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको भी ओपन कर लेंगे, इससे रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई अपॉन ए बी कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा ये साइड में आके साइन का हो जाएगा, ये दोनों टर्म्स इस साइड में ट्रांसफर कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई अपॉन ए बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इज साइन स्क्वायर अल्फा और ये प्रूव हो गया।